हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक बीमारी जो जिसमें हेयर लॉस होता है और इसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा इज अ ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, इसके अंदर पैचेस में हेयर लॉस होते हैं, यानी कि आपके जो बाल हैं उसमें आपको कुछ पैच आ जाएंगे जहाँ बिल्कुल बाल नहीं है और उसके पैच के आसपास का जो बाल नॉर्मल होंगे, तो इसको एलोपेशिया एरियाटा बोला जाता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी के सेल्स आपके बालों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एलोपेशिया एरियाटा में आपको पैचेस दिखते हैं और अक्सर लोग इनको फंगल इन्फेक्शन से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस है, एक तो देख के हम डायग्नोस कर सकते हैं, नहीं तो ट्राइकोस्कोपी यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर हम इन बालों को देखते हैं तो उसमें स्पेशल कुछ फीचर्स आते हैं जो शो करते हैं कि ये एलोपेशिया एरियाटा है। जैसे इसमें थोड़े बाल दिखा दे, इसको क्लब साइन बोला जाता है या एक्सक्लेमेशन साइन बोला जाता है। ये जो दिखते हैं यहाँ पे, ये हमें शो करते हैं कि एलोपेशिया एरियाटा है। अगर हम ये डायग्नोस कर लेते हैं एलोपेशिया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, एलोपेशिया एरियाटा का जो मैनेजमेंट है, ये नॉर्मल जो बाल गिर रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। जब आपके नॉर्मली बाल गिरते हैं, जैसे उसको हम एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा बोलते हैं या टीलोजेन एफ्लुवियम बोलते हैं, मेल्स में जो कॉमनेस्ट कॉज है हेयर फॉल का वो एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा है। उसका मेन कारण है हार्मोन की डेफिशिएंस, हार्मोन का बढ़ना, खास करके डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में जो मेजर कॉज है हेयर फॉल का वो होता है टीलोजेन एफ्लुवियम, जो यूजली स्ट्रेस के कारण होता है या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है या फिर किसी ऐसे कारण होता है जो बॉडी में कोई मेजर स्ट्रेस आया, तो ये टीलोजेन एफ्लुवियम है। लेकिन इन सब से अलग अगर हम देखें एलोपेशिया एरियाटा, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपके इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं और आपके हेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसमें हमको जो मेडिसिन देनी है वो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, खास करके स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल आता है। तो देखिए, एक कॉमन ट्रीटमेंट जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम इंजेक्शंस देते हैं कीनाकॉर्ट के या स्टेरॉइड्स के। ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है और छोटे पैचेस हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है कीनाकॉर्ट के इंजेक्शंस देने का। कई बार हमें हफ्ते में दो बार तीन बार भी, जिसको हम ओरल मिनी पल्स थेरेपी बोलते हैं, स्टेरॉइड देने पड़ते हैं इस ट्रीटमेंट के अंदर। इसके बियॉन्ड अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। इस केस में स्टेरॉइड्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं यूज़ करना, इसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसमें हमको अलग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आज जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं जो आ रहे हैं एलोपेशिया एरियाटा के लिए, वो हैं जैक इनिबिटर्स, जैक टू इनिबिटर्स। टोफैसिटिनिब करके एक दवाई है, काफ़ी कॉस्टली है, बट कुछ पेशेंट्स में हमने यूज़ किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसका इस्तेमाल करने से वी हैव सीन दैट जो बाल हैं हमारे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, ये वापस आ सकते हैं और आने लगते हैं। अनदर थिंग दैट रियली वर्क्स फॉर एलोपेशिया एरियाटा विच वी हैव सीन इज द एग्जाइमर लेज़र। आपको मालूम है एग्जाइमर लेज़र अभी तक हम विटलिगो में इस्तेमाल करते थे, लेकिन एलोपेशिया एरियाटा में भी एग्जाइमर लेज़र का एक बहुत ही अच्छा रोल है। तो जो एग्जाइमर लेज़र वाइट पैचेस में विटलिगो में काम करता है, वही टारगेटेड फोटोथेरेपी एलोपेशिया एरियाटा में भी एक अच्छा रिजल्ट शो कर सकती है। तीसरी चीज जो अभी आ रही है और जिसके बारे में लोग अभी हम अवेयर हो रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन। DPCP करके कंपाउंड होता है जो अब इंडिया में मिलने लग गया है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया आपका एलोपेशिया एरियाटा का जहाँ स्टेरॉइड्स हम नहीं दे सकते हैं और काम नहीं कर रहे हैं या स्टेरॉइड देना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन यानी DPCP का इस्तेमाल करके हम एलोपेशिया एरियाटा के अंदर काम कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग अप, द यूज़ ऑफ DPCP एज अ कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन। खास करके ये दवाई है DPCP क्या करती है, बहुत इरिटेटिंग दवाई होती है, इसको जब हम सर पे लगाते हैं तो काफ़ी इरिटेशन कॉज करती है और उस इरिटेशन के कारण धीरे धीरे वहाँ पे बाल आने लगते हैं और आपके बाल ग्रो करने लगते हैं। तो दीज आर द न्यू थिंग्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट्स विद एलोपेशिया एरियाटा। इन माय क्लिनिक आई एम आल्सो यूजिंग हाई डोज विटामिन्स एंड ओजोन थेरेपी अलॉन्ग विद ऑल दिस ट्रीटमेंट्स इन केस ऑफ एलोपेशिया यूनिवर्सलिस एंड एडवांस्ड एलोपेशिया एरियाटा, जिससे हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हो जाते हैं। बिकॉज हमें ये समझना है कि जो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल कम होने से बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।